हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रायपुर के बाद बिलासपुर में आम आदमी पार्टी की मेगा रैली, अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान होंगे शामिल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी रायपुर के बाद अब बिलासपुर में चुनावी शंखनाद की तैयारी में है। इसके लिए महारैली का आयोजन कर 1,00,000 लोगों की भीड़ जुटाने की तैयारी चल रही है। 2 जुलाई को आयोजित रैली में पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल होंगे और इसके बाद साइंस कॉलेज मैदान में सभा होगी। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब आम आदमी पार्टी भी कूद गई है। दिल्ली और फिर पंजाब में सरकार बनाने के बाद पार्टी देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में सक्रिय नजर आ रही है। राजधानी रायपुर में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। रायपुर के बाद बिलासपुर प्रदेश का दूसरा बड़ा संभाग है, यहाँ 24 विधानसभा सीटें हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने महारैली के लिए इस बार बिलासपुर को चुना है और 2 जुलाई को होने वाले इस आयोजन में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को फिर से बुलाया जा रहा है। पार्टी के दोनों दिग्गज महारैली के साथ साइंस मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। इसमें पार्टी के पदाधिकारी 1,00,000 लोगों की भीड़ जुटाने का दावा कर रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी लगातार प्रदेश के जनहित के छोटे बड़े मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। लोरमी के मूल निवासी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक यहाँ रैली कर पार्टी की सक्रियता बता चुके हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ में पार्टी के विस्तार की जवाबदेही दी गई है। यही वजह है कि संदीप पाठक रोजाना वर्चुअली पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग कर हर एक गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव और एडवोकेट प्रियंका शुक्ला ने बताया कि पार्टी की मेंबरशिप अभियान में प्रदेश के लोगों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अब पार्टी के पदाधिकारी दिल्ली और पंजाब की तरह प्रदेश के सभी जिलों में कैंपेन चला रहे हैं। इसके तहत डोर टू डोर सर्वे चल रहा है और लोगों को आम आदमी पार्टी की रीति नीति के साथ ही दिल्ली में हुए विकास कार्य और जनहित के कामों की जानकारी दी जा रही है। उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि अगर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो यहाँ भी दिल्ली की तरह काम होगा। दोस्तों, प्रियंका शुक्ला ने बताया कि 2 जुलाई को बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होने वाली सभा और महारैली की अनुमति मिल गई है। इस आयोजन के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान चुनावी शंखनाद करेंगे। उनकी महारैली में भीड़ जुटाने के लिए पार्टी की ओर से बैठकों और जनसंवादों का दौर लगातार जारी है। महारैली में 1,00,000 लोगों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।